पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई हिंसा को लेकर छिंदवाड़ा में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा ने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आह्वान पर मंडल स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बंगाल में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या एवं हिंसा के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ममता सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे हिंदू एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को वहां पर संरक्षण मिल सके। बंगाल में टीएमसी के गुंडे रोहिंग्यों और बांग्लादेशी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आगजनी करने एवं उनकी हत्या करने के विरोध में आज ग्रामीण मंडल बघारा के अंतर्गत कार्यालय में एक लेहरा ग्राम में हम लोगों ने धरना कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सभी प्रकार के जितनी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के उनका पालन करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने उस जो पश्चिम बंगाल में मारे गए कार्यकर्ता हैं ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाई है और वहाँ की सरकार की हम निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वहाँ की सरकार को के ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाए जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना द्वारा कादित न हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।